तमन्ना तो जन्नत की सैर करने की है, उसकी खूबसूरती को निहारने की है। जो कहते हैं जन्नत तो दुनिया से दूर है यारो, चलो उन्हें जन्नत कश्मीर से रूबरू बना लाते हैं। आज हम जाने वाला है मिंग स्टॉक। बच्चा को मार दिया वाला रात को। हाँ। रात को घोड़े भागे नगारू चले गया वो। वो होता है काला। हाँ। उसको बोलते हैं काला माल। इस ट्रिप का पहला बार दोस्तों। तीन चार दिन का ट्रैक खत्म करके आज हम रिटर्न जा रहे हैं कसौल। कसौल से बस पकड़ के मैं फिर पहुंचा मनाली, जहाँ इस बार मैंने सोलांग वैली, अटल टनल और खोक्सर को एक्सप्लोर किया रेंटल बाइक पे। और दो रात मनाली में एंजॉय करने के बाद हिमाचल प्रदेश को अलविदा कहते हुए मैं निकल पड़ा मेरा फाइनल डेस्टिनेशन गुलमर्ग कश्मीर की तरफ। मैं अभी निकला हूँ इनके साथ, तो ये मुझे अभी पूरा साइट सीइंग कराने वाले हैं और केबल कार लेके फेज वन तक घुमाने वाले हैं, पूरा स्कीइंग ये सब करने वाले हैं। आपका गुड नेम सर और इंट्रोडक्शन? अहमद सर, रजिस्टर्ड टूरिज्म गाइड है यहाँ के। गाइड बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पे आने के बाद, स्पेशली जब आप अकेले होते हो, आपको शूट करना होता है, सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते हो। अभी थोड़ा जल्दी भी जाना है क्योंकि केबल कार्ड के टिकट खत्म हो जाने के बाद नहीं मिलेगा टिकट। और ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये गल्फ कोर्स है, 18 होल के अंदर में एशिया के नंबर वन पे, हाँ वर्ल्ड के नंबर दो पे। ऊपर में ग्रीन कार्टेज देख रहे हैं राइट साइड में आप जी, वो हाँ ये चर्च है। अच्छा, इस टाइम में यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे हट भी अवेलेबल है, होटल रूम्स भी अवेलेबल है, लेकिन होटल्स तो थोड़ा ज्यादा महंगे लगे मुझे। हट कैसा होता है? सिस्टम गर्म पानी, हाँ सब कुछ इसमें, ऐसी कोई बात नहीं, होटल जैसा है वो भी। हट भी हाँ एग्जैक्टली। लेकिन बेसिकली चीपर कौन सा होता है? सॉरी, होटल ज़्यादा चीप होता है या हट ज़्यादा चीप होता है? उसमें देखिए होटल सबसे महंगा पड़ेगा आपके यहाँ पे, हट से ज़्यादा। हट की एवरेज रेट से कैसे होते हैं, स्टार्टिंग टू मिनिमम टू मैक्सिमम? 1500, 2000, 2500 डिपेंड पे आप भी करते हैं। गुलमर्ग की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आता है गंडोला राइड। इसके दो फेजेस होते हैं, फेज वन जो कि मैं आज कवर करने वाला हूं, और फेज टू जो हैवी स्नोफॉल के वजह से बंद है। ट्रीज लाइन इज हियर ओनली फॉर पाइन ट्रीज, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। 10,500 feet from the sea level, I will go to Gandola cable car and drop it in place. Then after, you will decide if you want to go adventures, we'll take adventures, skiing, sledging. Okay. Depends up to you. मैं क्या है कि सर कोई फोर्स नहीं देता है टूरिस्ट को कि यहाँ पे एडवेंचर्स बहुत सारे होते हैं। आज तो एडवेंचर्स यहाँ पे टोटल स्की आपको मिल सकती है। Okay. जिसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, जो आप करना चाहते हैं स्लेचिंग है वहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत नीचे है कुछ 350-450 मीटर की, तो बड़ा प्राइवेट आप 3,000-4,000-2,000-2,500 आपको बता देंगे। लेकिन इतना से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा अगर चीट भी हो तब जाके आप 1,000 रुपए दे सकते हो उसे आगे नहीं, विद इंस्ट्रक्टर विद इक्विपमेंट्स। उसके बाद अगर आप स्लेज जो दूसरा एक फन है वहाँ पे स्लेज, वहाँ पे
600-700 रुपये वो ले लेते हैं। अच्छा, तो ये कोई चीटिंग वाली बात तो है नहीं, उनका तो जान रहता है उसमें, जान लग जाता है। ये है शेफर्ड हट्स यहाँ पे समर टाइम में, ये लोग यहाँ पे रहते हैं और विंटर टाइम में अपने अपने गाँव चले जाते हैं। ये 6 महीने यहाँ पे रह जाते हैं, 6 महीना इनका यहाँ पे होता है ड्यू आने का। इनके पास भेड़ बकरी भैंस वगैरह रहता है, समर टाइम में यहाँ पे आ जाते हैं, विंटर टाइम में अपने अपने गाँव चले जाते हैं। क्या ये साउंड स्प्रिंग है? अच्छा, ये इसकी दाएं बाएं कोई पानी का कोई झरना वरना नहीं, नीचे से आ जाता है। अच्छा, कुदरती, और इसकी पानी वहाँ पर चली जाती है, वहाँ तक चली जाती है। अच्छा, नेचुरल है कंप्लीट। नेक्स्ट, ये है स्लजिंग। किसने बोला नहीं था? मैं मतलब सही बात, सबसे फ्रेश स्नो एकदम साफ। कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नहीं कहते, इसे जन्नत कहने का कुछ रीजन है और वो ही है। कश्मीर तो एक ना एक दिन आना ही था, लेकिन ऐसे अचानक बिना कोई प्लानिंग के अहमद भाई के साथ स्कीइंग करूंगा कभी सोचा नहीं था। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। मैं तो कश्मीर फिर जाना चाहूँगा, आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ वेदर रिपोर्ट देखकर जाना। तो आज का वीडियो देखकर अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। तो दिस इज़ अतनु साइनिंग ऑफ, बाय।